नमस्कार दोस्तों आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आज मैं आपको पाँच मिनट में डिनर रेडी करने वाली हूँ जो मैं आपको मैं बताने वाली हूँ तो बहुत ही इजी वे में ये रेडी हो जाता है आप इसको वेजिटेबल बिरयानी भी कह सकते हो जो फुल ऑफ वेजीज होती हैं और बहुत ही इजी वे में ये रेडी हो जाता है कभी भी आपके यहाँ शाम को कोई गेस्ट आ गया और आपको डिनर में लेट हो गया हो तो आप इसको जो मेरा फार्मूला है मतलब इसको अपना सकते हो इधर मैंने जिंजर कुछ चिलीज़ और गार्लिक ले लिया है इसको हम लोग थोड़ा सा क्रश कर लेंगे और अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे और इधर कुछ वेजीज ले लिए हैं जो आपके घर में अवेलेबल आप उसको ले सकते हैं इधर मैं थोड़ा सा पानी गर्म करने के लिए एक पैन में चढ़ा दिया है तो हम लोग जो गोभी है आजकल जो आ रही है बहुत ही टेस्टी और फ्रेश सी भी हो लेकिन आप उसको प्लीज़ उसको ज़रूर करा करिए तो मैंने गैस का फ्लेम ऑफ़ कर दिया है थोड़ा देर इसको इसमें मिनट रख देंगे कुकर में आप थोड़ा सा रिफाइंड ले लो जहाँ आप सरसों का तेल यूज़ करते हो ले लो मैंने इधर एक मीडियम साइज़ का आलू लिया हुआ उसको मैंने कट कर लिया है इधर थोड़ी सी गाजर है थोड़ी सी बीन्स है तो ये थोड़ी थोड़ी सी मैंने कट कर ली है थोड़े थोड़े बड़े बड़े ही शेप में दीजिएगा क्योंकि हम लोग उसको कुकर में बनाने वाले हैं तो जो हमारी बिरयानी है उसकी जो वेजीज है वो थोड़ी सी मतलब बहुत नरम नहीं हो जाए इसलिए जो गोभी है मैंने उसको छान लिया उसका पानी और गोभी को भी हम लोग उसमें डाल देंगे थोड़ी देर हम लोग उसको फ़्राई कर लेंगे सिर्फ़ दो मिनट के लिए तो बस दो मिनट इसको जल्दी जल्दी से फ्राई कर लेंगे गैस का फ्लेम थोड़ा सा हाई रखिएगा ताकि ये जल्दी जल्दी से थोड़ी सी हल्की सी रेड हो जाए और इसको फटाफट से हम लोग कर लेंगे इधर देख सकते हैं यहाँ पे कि मेरी जो वेजीज हैं वो थोड़ी सी रेड हो गई हैं पैन में थोड़ा सा रिफाइंड ले लिया है और जो अनियंस है मैंने इसको इस तरीके से चॉप किया है बिल्कुल पतला पतला सा और इसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा फ्राई करने के लिए चढ़ा देंगे गैस का फ्लेम उसका लो रखिएगा क्योंकि इधर मैं सब्जी हमारी फ्राई हो रही है उधर हमारा प्याज भी हो जाएगा साथ साथ में एक टेबल स्पून रिफाइंड और डालिए और इसमें थोड़ा सा दो तेज पत्ते थोड़ी सी आपके पास गोल मिर्च हो वो और थोड़ी सी लौंग डाल दीजिए थोड़ा सा जीरा डाल देंगे हम लोग इसमें तो अब हम लोग जो फाइनल टच है वही देने वाले हैं तो कुछ स्पाइसेस मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आपके पास अगर खड़ी इलायची हो तो आप डाल सकते हैं इधर जो मैंने पेस्ट बनाया था लहसुन और मिर्च का जो मैंने आपको शुरुआत में बताया ये देखिए प्याज जो है वो हमारे हल्के हल्के से गोल्डन होना स्टार्ट हो गए हैं तो गैस का फ्लेम इसका लो रखिएगा और इधर जो पेस्ट है वो हम लोग रिफाइंड में डाल दें जो हमारे जीरा वगैरह है वो हो गया है अच्छा से तो पेस्ट डाल के हम लोग इसको फ्राई कर लेंगे फ्राई करने के बाद देख सकते हैं ये बिल्कुल ही अच्छे तरीके से इसकी स्मेल जो है वो आ गई है अब हम लोग इसमें जो हमारे टमाटर हैं एक मीडियम साइज का टमाटर लिया है मैंने उसको मैंने चॉप कर लिया और उसको उसमें डाल देंगे थोड़ा सा इसको भी हम लोग फ्राई कर लेंगे इसके साथ साथ में और इसके बाद हम लोग कुछ स्पाइसेस डालेंगे तो जैसे कि थोड़ी सी हल्दी जो आप नॉर्मल सब्जियों में डालते हैं बस वही सारे मसाले रहेंगे तो आपको जो भी मसाले पसंद हो आप डाल दीजिए मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है थोड़ी सी सब्जी मसाला डाला है थोड़ा सा गर्म मसाला डाल लीजिए आप आपको अगर पसंद हो थोड़ा सा अमचूर पाउडर हो तो आप डाल लीजिए थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल लीजिए और आपके पास इधर मैंने मेरे पास थोड़ा सा बिरयानी मसाला भी पड़ा हुआ था तो मैंने वो डाल रखा है इधर मैंने हरी इलायची का पाउडर है वो डाला है इससे स्मेल बड़ी अच्छी सी आती है इधर दालचीनी का पाउडर है थोड़ा तो सा वो भी डाल देते हैं उससे ना बहुत अच्छा हेल्थ का भी चक्कर जो है वो बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए थोड़ी सी हींग डालते हैं हींग से ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है नमक आप डाल दीजिए स्वाद अनुसार जैसा कि आपको पता ही है सारी रेसिपीज में ये होता है तो उधर थोड़ी सी चीनी डालेंगे चीनी डालने से क्या होता है ना जितने स्पाइसेस हैं ना उनको ये बाइंड करके और बहुत ही अच्छा टेस्ट जो है ये इसका आता है तो इसको सारे को हम लोग भून लेंगे थोड़ी सी मटर डाल देंगे इसमें अगर आपके पास हो घर में तो आप डाल दीजिए नहीं हो तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं जो जो हमने सारी वेजीज जो हमने फ्राई करके रखी हुई थी वो सारी डाल देंगे इसमें और इसको हम लोग अच्छे तरीके से मिला देंगे जितने भी स्पाइसिस हम लोग ने डाले हैं ना वो सारी जो सब्जियों में है वो अच्छे तरीके से हम लोग कर लेंगे क्योंकि स्पाइसेस नीचे हैं और हमारी जो सब्जियाँ हैं उसमें सारे में अच्छे तरीके से वो मिक्स हो जाना चाहिए इधर मैंने नॉर्मल घर में चावल जो है वही यूज़ किया है आपके पास अगर अच्छा चावल हो मतलब इंडिया गेट टाइप्स तो आप वो भी ले सकते हैं बिरयानी वाला चावल होता तो आप वो भी ले सकते हो जो भी आप यूज़ करते हो तो मैंने इधर वन बाउल लिया हुआ है तो उसी से मैंने उसको धुल ऊल लिया अच्छे से फिर डाल के इसको अच्छे से हम लोग इसमें मिला देंगे जितनी भी हमारी सब्जियां हैं उनके साथ ही अच्छे से मिक्स हो जाए पानी का लेवल जो है वो आप ये ध्यान रखना कि जो जब भी आप इसमें पानी ऐड कर रहे हो तो जो हमारी सब्जियां हैं उससे वो लेवल कर रहे लेवल का मतलब कि जैसे आप देख रहे हो ना कि आप हमारी सब्जियां जो है झाँके हैं ऐसे तो बहुत ही पानी में बहुत ज़्यादा पानी डालना है ये देख रहे हैं इसको लेवल अप कहते हैं तो बस डाल देंगे एक वैसल लगानी है हाई फ्लेम हो और बस उसके बाद ज़्यादा उसमें कुछ भी नहीं करना ये देखिए हमारा जो है ये एक आ गई है फ्लेम हमने ऑफ कर दी और इधर हमारा जो हमारी बड़ी ही टेस्टी डिलीशियस सी लग रही है मुझे देख के धनिया के पत्ते डाल दीजिए थोड़े से इसमें और ये रेडी है जो हमने प्याज डाला था ऊपर से उसमें हम गार्निश कर देंगे और इसको रेडी टू ईट है ये और थैंक यू सो मच